सुदेश की 5 मिस कॉल्स आएंगी। अच्छा है तुमने अटेंड नहीं की, और मेरी मानो तो बात करने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें उससे। मशवरे का शुक्रिया, लेकिन मैंने मांगा नहीं था। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, लड़के भी उन्हीं लड़कियों के पीछे भागते हैं जो अपनी इज्जत करवाना जानती हैं। से बात में दम है। चलो ठीक है, नहीं बात करती उससे, थोड़ा और तर पाती हूँ। फलाह क्या बनेगा तुम्हारा वैसे? शुक्र करो हम खैरियत से घर वापस आ गए, पापा की बातें भी सुन ली और सब कुछ हो गया, और अब सुकून से अपने बेड पे लेटे हैं। मामला ना सज्जल ने खराब किया, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। खुदा के वास्ते अब इस हड्डे को ना खत्म करो, छोड़ दो, भूल जाओ। कैसे भूल जाओ? मैं भूल जाने वालों में से नहीं। पहले तो सुदेश को मैं सिर्फ उसके पैसे की वजह से काबिल कर रही थी, लेकिन सज्जन को सबक सिखाने के लिए सुदेश को ताकत कर। तुम पागल वागल हो गई हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम अंधाधुन एक ऐसे रास्ते पे भाग रही हो जिसका अंजाम ही सिर्फ एक खैरी खाई है। मुंह के बल तो तुम गिरोगी, तुम्हारा वजूद भी नहीं मिलेगा, और साथ में तुम्हारे माँ बाप का भी एतमाद टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अच्छा बस, इतनी किताबी बातें करने की जरूरत नहीं है, सख्त चिड़चिड़ती हूँ मुझे ऐसी बातों से। ये किताबी बातें भी ना तुम्हारी तरह और मेरी तरह लोगों की वजह से ही वजूद में आती हैं, ये आसमानी सहीफे नहीं है। तुम क्या सोच रही हो, इतनी बेइज्जती मैं भूल जाऊं? तो ये बेइज्जती करवाने भी तो हम खुद ही गए थे ना, मैंने तुम्हें मना किया था, छोड़ दो मत जाओ। मुझे ये अपनी सोच ना अपने पास रखो, मुझे सुना। अम्मा आज जब समा यूनिवर्सिटी से वापस आए ना, तो उससे पूछिएगा जरूर कि कल वो किस दोस्त की बर्थडे पार्टी पे गई थी। क्या मतलब? अम्मा आपको इन किचन के कामों घर के कामों से फुर्सत मिले तो आपको पता चले ना कि आपकी औलाद क्या गुल खिलाती फिर रही है। कहना क्या चाहती हो, साफ क्यों नहीं कहती? अम्मा ये बिल्कुल भी मुनासिब वक्त नहीं है कुछ भी बात करने या सुनने का। मैं तभी आपसे कह रही हूँ जब हम दोनों यूनिवर्सिटी से वापस आ जाए ना, तब समाहा को बिठाकर फुर्सत से पूछिएगा कि वो आखिर चाहती क्या। मैंने तो तुम लोगों की वजह से तुम्हारे अब्बा से तुम्हें इजाजत दिलवाई थी, मगर तुम लोगों ने तो हद कर दी। एक तो बिना अबाई के चली आ रही थी, रिक्शे से उतरी, वो भी अपने अब्बा के सामने। अम्मा मैंने कोई हद नहीं की। अच्छा उसकी वजह से हुआ है, मुझे कोई इल्जाम मत दे। कहीं तो तुम दोनों साथ थी ना, अब सारा इल्जाम उस अकेली पर धर दो। अम्मा मैं जाना ही नहीं चाहती थी, वो मुझे जबरदस्ती लेकर गई है, मैंने तो मना कर दिया था पहले। अच्छा बस खामोश हो जाओ, तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारी ये बातें सुन ली ना तो गजब हो जाएगा, रात से वैसे ही गुस्से में।